अगर सच में सज्जू की मम्मी को होश आ गया तो वो बच गई तो नहीं। सर ये फॉर्म इस पे साइन कर दीजिए। सुनिए, गुरिंदर बाजवा किस रूम में है? एक्सीडेंट केस जी, वो छत से गिर गई थी, उन्हें अभी अभी एडमिट किया। अच्छा, आप उन गुरिंदर जी की बात कर रहे हैं जिन्हें परी बाजवा ने अभी एडमिट किया था? जी जी, वो इमरजेंसी रूम में है, आगे से लेफ्ट, रूम नंबर 5, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू डॉक्टर जी। क्या लगता है आपको, आंटी जी बच जाएंगी ना? देखिए अभी जब मम्मी जी छत से गिरी तो छत पे क्या कर रही थी? वैसे भी घर में जगराता चल रहा था और तू पता नहीं कहाँ गायब थी। मैंने पूरे घर में तुझे ढूंढा लेकिन तू कहीं नहीं मिली। मैं वॉशरूम में भी गई थी तो वहां भी नहीं थी, फिर तू छत पे। तू क्या बोल रही? मैं कुछ गलत नहीं कह रही, मैंने खुद देखा है नीति। क्या देखा है तूने? क्या कहना चाहती है तू? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं जानती कि तूने ये सब क्यों किया, लेकिन ये तूने ही किया है। तूने ही मम्मी जी को धक्का मारा ना? अरे तू तू होश में भी है? तू बोल क्या रही है? तू सोच भी कैसे सकती है कि मैं ये सब कुछ करूंगी? क्यों धक्का दूंगी मैं आंटी जी को? इतनी बड़ी बात मेरे लिए कैसे सोच सकते परी यार? हाँ, मैं बीच में कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। वो तुझे पता है ना कि मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ से कुछ हिस्सा गायब हो गया है, तो मैं अपने डॉक्टर से बात करने के लिए गई थी यार। उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ का कुछ पार्ट है जो डिलीट हो गया है मेरी मेमोरी से, मेमोरी लॉस हो गई है थोड़ी सी। मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर भी जब मैं कॉल खत्म करके नीचे हॉल में आई तो पंडित जी ने मुझे फूल लाने के लिए कहा। मैं वही लेने छत पर गई थी, वहां पर गुरिंदर आंट ऑलरेडी मौजूद थी। हम दोनों फूल ही तोड़ रहे थे कि उनकी नजर तुझ पे पड़ी। तू नीचे थी तब। उन्होंने तुझे आवाज भी लगाई लेकिन तुझे सुनाई नहीं दिया शायद। वो तुझे बताना चाहती थी कि उन्हें फूल मिल गया है। फिर पता नहीं कैसे उनका पैर स्लिप हुआ और उन्होंने रेलिंग को पकड़ने का सहारा लिया, लेकिन शायद रेलिंग के ना स्क्रू ढीले थे इसलिए बैलेंस ही नहीं बन पाया। वो अचानक एकदम से नीचे गिर गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं एकदम ब्लैंक हो गई। और जैसे मैं उन्हें देखने के लिए वहां आई, उन्होंने मुझे देख लिया और तुझे लगा कि मैंने उन्हें। सच में ऐसा हुआ था? हाँ यार, ऐसा ही हुआ था। वो मेरी आंखों के सामने गिर गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। सॉरी। नहीं नहीं सॉरी नहीं परी, तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है। गलती ना मेरी ही है। तेरी गलती नहीं है गुरिंदर आंटी, मेरी वजह से ही गिरी। भले उनका ध्यान तेरी तरफ देखने की वजह से भटका हो, लेकिन मैं उनके साथ थी, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए था ना। मेरी आंखों के सामने वो गिर गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। नहीं 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 नीति, आई एम सो सॉरी, मुझे तुझ पे शक नहीं करना चाहिए था। नहीं देख, तेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी पता नहीं क्यों घर में जो कुछ भी हो रहा है सबको मुझ पे शक हो रहा है। क्या किया मैंने? क्यों मारा आपने मुझे? क्यों मारा? तो मैं पूछ रही है क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि गुरिंदर की इस हालत की जिम्मेदार तू है, क्योंकि आज तेरी वजह से गुरिंदर जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। क्यों नीति जी? होगी तुम दोनों दोस्त, छिड़कते होंगे एक दूसरे पे जान, लेकिन मेरे लिए भी मेरे रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरिंदर भले मेरी देवरानी है, हम दोनों के बीच में चीजों को लेकर अनबन होती है, लेकिन मैं उसका बुरा कभी नहीं चाहूंगी। मम्मी कम से कम एक बार इसकी बात तो सुन ले। मैं और क्या कहेगी ये? सच तो यह है कि हमारे घर में आज तक जो कुछ भी हुआ सारे फसाद की जड़ एक कुड़ी है। रब से दुआ कर अपने लिए नीति कि गुरिंदर नो कुछ ना हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वरना तेरे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ताई जी, अगर आपको नीति की बात नहीं सुननी है तो प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब सुनने को रह क्या गया है परी? इसने खुद अपने मुंह से कहा ना कि गुरिंदर के छत से गिरने के जिम्मेदार है, तो अब सुनने को रह क्या गया है? नहीं ताई जी, नहीं, ऐसा नहीं है। नीति ने यह कहा कि वो छत पे थी और जब तक वो कुछ कर पाती मम्मी जी को बचाने के लिए, मम्मी जी नीचे गिर गई। ताई जी, नीति छत पे फूल लेने के लिए गई थी और मम्मी जी भी वही थी, तभी उन्होंने मुझे छत से नीचे देखा और उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी फूल ही ढूंढ रही हूँ, और उन्होंने मुझे ऊपर से आवाज भी लगाई शायद ये कहने के लिए कि उन्हें फूल मिल गए हैं। बस इसी दौरान उनका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गए। और सच बात ये है कि मम्मी जी की हालत की जिम्मेदार नीति नहीं है, मैं हूँ ताई जी, मेरी वजह से हुआ है सब। देखा, इसलिए बोलती हूँ कभी कभी सबकी सुन लेनी चाहिए मम्मी। काश मम्मी जी की जगह ताई जी होती तो एक दुश्मन तो कम होता मेरा, मार ही डालती इन्हें तो मैं। ना परे, गुरिंदर की इस हालत की जिम्मेदार तू कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। अमित, हाँ यहाँ पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी माँ गुरिंदर भाजवा, वो कौन से रूम में? वो इमरजेंसी रूम में है, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर, वो रूम नंबर 5 में है, यहाँ से लेफ्ट लीजिए। थैंक यू, चल। गुरिंदर भाजवा कौन से रूम में? हाँ, फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 5। ओके, थैंक यू, चल जल्दी। परी, थैंक यू यार। किस बात के लिए? मेरा साथ देने के लिए, अपनी ताई जी को समझाने के लिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। पागल है क्या? कोई जरूरत नहीं है सबकी। नहीं यार परी, मुझे ना कोशिश तो करनी चाहिए थी गुरिंदर आंटी को बचाने की। गिल्ट महसूस हो रहा है मुझे अंदर ही अंदर। काश मैं कुछ कर पाती। और मैं जानती हूँ अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया होता और तेरी जगह मैं आंटी जी को सब कुछ समझा रही होती ना, तो वो मेरी बात कभी नहीं मानती। ऐसा नहीं है नीति, तू नहीं जानती कि इस वक्त ताई जी की हालत क्या है। मम्मी जी के साथ हुए इस हादसे का बहुत बड़ा सदमा लगा है उन्हें। वो ना अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, बहुत ख्याल रखती है उनका। ऐसे में अगर उनके घर के किसी भी मेंबर के साथ कुछ भी हो जाता है ना, तो उनका दर्द तू समझ सकती है ना। वो अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। खैर, ये सब बातें छोड़, चल। एक ही बात दिमाग में आ रही है परी, काश मम्मी जी की जगह उस टाइम ताई जी होती तो कितना अच्छा होता। बट अगर अब मम्मी जी को होश आ गया तो उनको तो सब पता चल चुका है। नर्स, आपने जो इंजेक्शन मंगाए थे। क्या हुआ माँ को? बेटी कुछ नहीं हुआ है माँ को। पुत्र, हम लोग जगराते में थे और अचानक हमें दम की आवाज आई। ऐसा नहीं हो सकता। वीर्ची, वीर्ची, सुन सुन, ऐसा होने लगता नहीं हो सकता। वीर्ची, एक सेकंड रुकिए प्लीज सर। कुछ हुआ है? कुछ हुआ माँ को? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, अभी डॉक्टर आएंगे, बोलेंगे कि माँ माँ बिल्कुल ठीक है, प्लीज रिलैक्स। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है आंटी। ठीक है, आप सब लोग शांत हो जाइए, सब ठीक है। डॉक्टर, माँ कैसी अब? ठीक तो हो जाएंगी ना माँ? खून बहुत बह चुका है और इंटरनल ब्लीडिंग भी है। अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो क्या मतलब है आपका? आई एम सॉरी बट उनकी जान बचाना इम्पॉसिबल लग रहा है। संभाल अपने आप को।
हौसला रखो, कुछ नहीं होगा मम्मी को, वो ठीक हो जाएंगी, प्लीज हौसला रखो। कुंभारी कैसे ठीक हो जाएंगी माँ, अभी डॉक्टर ने तो बोला होगा उनका बचना मुश्किल है। देखो राजे, सुनो मेरी बात सुनो, आज रात भर हम सबने मिलके माता रानी की आराधना की है, उनकी भक्ति की है, उनकी प्रार्थना की है, और ऐसे में माता रानी हमसे हमारी माँ को कभी नहीं छीन सकती है, और मुझे ना पूरा भरोसा है वो मम्मी जी को कुछ नहीं होने देंगी, तुम देखना मम्मी जी ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हमारे साथ घर चलेंगी। नीति सॉरी, मैं रिसेप्शन की तरफ जा रही थी। बरी, तुम्हें पूरा भरोसा ना कि माँ जल्दी से ठीक हो जाएंगी? हाँ पक्का, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी राजी, और तुम मुझसे ज्यादा भरोसा ना माता रानी पर रखो, वो जल्दी ठीक कर देगी मम्मी जी को, वो किसी के साथ बुरा नहीं होने देती है। हार्ट बीट का इतना फास्ट होना ये सही नहीं है, इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए डॉक्टर, आपने इससे भी ज्यादा क्रिटिकल केसेस को हैंडल किया है। इतना क्रिटिकल केस शायद से मैंने भी पहले कभी नहीं देखा है। मैंने इनकी फैमिली को बता तो दिया है कि क्या हो सकता है, पर मुझे पता है क्या होने वाला है। ये इतनी बुरी तरीके से गिरी है कि इनके दिमाग के पिछले हिस्से में चोट लगी है और पिछला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इनके बचने के केवल 2% चांस है। आइए सर, ये इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह है, गुरिंदर जी केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। लेकिन गुरिंदर की हालत तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट रूल इज रूल, ऐसे केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस के हर पहलू का अच्छे तरह से जांच कीजिए, और कुछ भी गलत लगे या दिखे हमें जरूर इन्फॉर्म करना। आप निश्चिंत रहिए, गुरिंदर जी के साथ क्या हुआ है वो हादसा है या साजिश, उसकी मैं जड़ तक पहुँच के रहूंगा। आप इतनी गहराई से जांच करेंगे इतने छोटे से हादसे की? मेरा मतलब है कि हादसा बहुत बड़ा है, लेकिन हमें किसी का शक तो है नहीं, और ना ही हमने कोई रिपोर्ट लिखाई है इंस्पेक्टर साहब, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप छोटी सी कोई कागजी कार्रवाई करने के लिए आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गुरिंदर जी छत से नीचे गिर गई थी, पर कानूनी रूप से आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था हॉस्पिटल में एडमिट करवाने से पहले। पर कोई बात नहीं, कई बार कानून से ऊपर इंसानियत होती है, उनका यहाँ इलाज चल रहा है, उनसे हम बाद में सवाल जवाब कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम आप लोगों से सवाल जवाब करना चाहते हैं। पूछिए क्या पूछना है, वैसे केस तो बहुत सीधा है, वो छत पे गई थी और गिर गई वहां से। वो तो हमें भी पता है, हम ये जानना चाहते हैं कि गुरिंदर जी का उनके हस्बैंड के साथ कैसा रिश्ता था। मेरा मतलब ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ को छत से नीचे गिरा देता है, फिर वो बोल देता है कि वाइफ का पैर फिसल गया था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बाबूजी को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया। आप कौन? सर मैं अमित बाजवा, गुरिंदर बाजवा का बेटा, और सर उन्हें किसी ने धक्का नहीं मारा, वो गिरी गई होगी। अमित, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने दे, गुरिंदर खुद गिरी थी या किसी ने उसे धक्का दिया? देखिए मैं पहले वो घर देखना चाहता हूँ जिसकी छत से गुरिंदर जी नीचे गिरी है, वहां जाके पता चलेगा कि ये कोई साजिश थी या कोई हादसा, और बाकी सबूत भी मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं लेकर चलती हूँ आपको उस घर में, वो एक्चुअली मेरा फोन भी वहीं छूट गया है, वो तो मुझे लेने जाना ही था, तो चलिए। ठीक है चलिए, मैं भी चलता हूँ। चलिए शैली, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? डोंट वरी चाचू, इज जस्ट अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन, गुरिंदर आंटी के साथ जो कुछ हुआ, एक्सीडेंट केस था तो पुलिस केस तो बनता ही है, एक्सीडेंट स्पॉट चेक करने आया है, और नीति अपना फोन और पर्स भूल गई थी इसलिए हम दोनों भी साथ आ गए, सब लोग हैं हॉस्पिटल में। वहाँ सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। हेलो, तो जो काम हम करने आए हैं वो करेंगे, तो बताइए ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ।
मुझे इन लोगों से पहले छत पे पहुंच के वो मिट्टी और टूल बॉक्स को हटाना होगा, नहीं तो। नीति, तुम्हारा बैग तो यही है। ओह गॉड, बैग तो मेरा ही है, अब कैसे जाऊं ऊपर? नहीं, ये मेरा बैग नहीं है, शायद किसी और का होगा। नहीं नहीं नीति, देखो ये तुम्हारी पर्स है, आई थिंक तुम्हारी आईडी भी है इसमें। दिखाओ। ओ हाँ, ये मेरा ही पर्स है, वो मुझे लगा कि आज मैं कोई और पर्स लेकर आई हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। पुलिस को ऊपर जाने से कैसे रोकूं? मुझे प्यास लग रही है। सॉरी, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। फटाफट से साफ कर देती हूँ ताकि किसी को कोई शक न हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे चाचू कुछ नहीं, नीति से गलती से जग गिर गया। अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। शैली अब ठीक है, तुम्हारे चाचू आ गए, तुम जाओ और इंस्पेक्टर को सीढ़ियों का रास्ता दिखा दो। हाँ शैली, तुम जाओ इनके साथ। आइए। ये लोग तो आप ही गए। अगर इंस्पेक्टर ने टूल बॉक्स देख लिया तो उनको तो एक मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं शैली से पूछने आई थी कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। वो मैंने जोश जोश में बोल तो दिया कि पहले कर आती हूँ, लेकिन मेरा पहला दिन है यहाँ पर, जगराते के लिए आई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ पर है। नो प्रॉब्लम, किचन में पड़ा हुआ है, आओ मैं निकाल देता हूँ। कहीं कुछ दिखा? नहीं सर, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिखा। हाँ यहाँ ऐसा कुछ डाउटफुल दिख नहीं रहा। रब ते भरोसा रख, वो कुछ नहीं होना हमारे गुरिंदर को। आप तो सिर्फ भरोसा ही कर सकते हैं जी, यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरिंदर की ऐसी हालत, इतना बड़ा हादसा, वो भी उस समय जब चकराता हो रहा था। गुरिंदर भले ही कड़वा बोलती हो, लेकिन उसने भी कभी किसी का ऐसा बुरा नहीं चाहा। और वो देखिए, संजू और अमित, क्या गलती है उन बच्चों की। पहले रब ने उनके बाऊजी को अपने पास बुला लिया और अब उनकी माँ भी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, देख कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाना है। कुछ ठीक होता वो तो दिख नहीं रहा है जी, एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं हमारे घर में। ऐसा लगता है किसी की बहुत बुरी नजर है हमारी खुशियों पर। समझ नहीं आ रहा माता रानी मेरा साथ दे रही है या फिर परी का। जैसे ही लगता है कि वो मेरे साथ है, परी की साइड हो जाती है। जो जाल मैंने परी के लिए बिछाया था उसमें मम्मी जी फंस गई, इट मीन्स उन्होंने परी को बचा लिया। और जब लगा कि पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी तो माता रानी की जय हो, मुझे भी बचा लिया। आखिर माजरा क्या है?